साल पूरे होने पर श्री राजेश्वरी ज्वेलरी लाया है बम्पर प्राइस। 10,000 रुपए के सोने के आभूषण खरीदे और जीतिए कार, टू व्हीलर्स, लैपटॉप और मोबाइल्स, साथ ही ढेर सारे पुरस्कार जीतने का मौका पाइए। सिर्फ यही नहीं बल्कि श्री राजेश्वरी ज्वेलरी से एक्सचेंज करने पर अधिक लाभ पाइए और पूरे अंडमान में मेकिंग चार्जेस सबसे कम दाम में पाइए। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, अबदीन बाजार, पोर्ट ब्लेयर। फोन नंबर 03192233822। नमस्कार सर। सर सर, एक तो क्वेश्चन आता है कि आपका जो जैसे आप इलेक्ट हुएंगे, कितना कॉन्फिडेंट है सर आपका अंडमान में, आपका कितना परसेंटेज में जीतने का आपका? इस बार बीजेपी का बिग मार्जिन होगा, ये मार्जिन को देख लिया। सदन ग्रुप कांग्रेस वोट बैंक था, सदन ग्रुप में कांग्रेस पार्टी के एमपी एक बार गया जीतने के बाद, एक पैसा काम नहीं किया। एमपी लैट सदन ग्रुप ना रोड बना, फुटपाथ बना, ड्रेन बना, कलवट बना, सभी टैंक का पानी उबाल के आता है, कुछ काम तो नहीं किया। एमपी लैट खर्चा नहीं किया, तो उनको वोट बैंक क्या है? पूरा तेरेसा चौरा कचाल कमोटा में हालत बहुत बुरा है, पीने का पानी नहीं है। अभी कमोटा में कैप्टन के एरिया में लाइट 2 घंटा 3 घंटा 6 घंटा 12 घंटा, क्यों सब कुछ किया नहीं? जब उन लोग आज बोलता आप थे था तो लाइट देके गया था, आपका रोड बनाया, कुछ बनाया नहीं। कांग्रेस पार्टी का समय का एक काम उन्होंने नहीं किया, एमपी लाइट खर्चा नहीं किया। निकोबार का सेम कहानी है, निकोबार कचाल कमोटा तेरेसा चौरा, उनको बिजली नहीं मिलता, पीने का पानी नहीं मिलता है, रोड फुटपाथ नहीं है, एक पैसा खर्चे नहीं, टेबल सप्लान नहीं, ठंडा 12% खर्चे कुछ नहीं हुआ। पूरा जगह में रोड फुटपाथ ड्रेन कालपट जो बना था रिपेयर में नहीं हुआ, न छोड़ दिया। तो क्या उम्मीद है कांग्रेस पार्टी को वोट देगा? तब तो बोलता है 100% बीजेपी, 10% बीजेपी, बोलते तो बोलता रहो। सर ऐसे एमपी कैंडिडेट फॉर अंडमान निकोबार, आपका किस तरह का ड्यूटीज रहेगा सर अंडमान के लिए? देखो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो अधूरा काम रह गया, एक तो सबमर्ज लैंड का काम 15 लाख 9 लाख दिया था, 35 लाख देने का है, वो दूंगा, कोशिश भी करूंगा लैंड और कब्ज करूँगा, एक काम रह गया खास करके। जो ओल्ड एज पेंशन 2000 रुपये कब तक क्यों ना बनाए, अनिल भाई का अंग्रेन क्यों ना बने, पार्ट टाइम टीचर का अंग्रेन क्यों ना बने, प्लान फंड तो बांटता हम लोग को। जितना अंडमान निकोबार रोड बाकी अभी भी है, बहुत रोड बाकी है, नेशनल हाई बुक पहुंचेगा पूछ सकता हम लोगों ने, सेंट्रल गवर्नमेंट का फंड कैसा मिले, CRA फंड मैं लेके आया 345 करोड़, सिर्फ फंड 100 करोड़ लेके आया, लेके आया PMDSAI, निकोबार में गया PMDSAI, तो पूरा ग्रुप में जो फंड जहाँ से मिले लाऊंगा। इस बार तो सब साथ में मेरा कौन है, मोदी जी है, मोदी तो एयरपोर्ट देखा क्या बोला, और मुझे तो मैं तो भाग्यवान हूँ, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का आशीर्वाद है, इसके से मोदी के बाद नाम मेरा आया, तो मोदी जी काम नहीं करेंगे, मेरा काम नहीं करेंगे। सर एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एज अ एमपी इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन द पार्लियामेंट, देन हाउ डू यू थिंक यू विल इन्फ्लुएंस द एडमिशन इन एनी मैटर? एडमिशन एडमिशन करेगा संविधान मुताबिक है, एडमिशन की इन्फ्लुएंस क्यों करेगा? जो काम मैं पूछता हूँ, म्यूनिसिपल काउंसिल फंड कौन काटा, एडमिशन काटा, मैं छोड़ दूंगा क्या? PRA का फंड था, पावर था, कौन काटा, एडमिशन काटा। अब जब MP थे, एक कमीशन होम मिनिस्टर कमेटी बना, UT फंड्स कमीशन रिकमेंडेशन, क्यों इम्प्लीमेंट नहीं किया एडमिशन में? मैं पूछता हूँ एडमिशन में निकल में काम क्यों नहीं किया? मैं चुप रहूँ, मैं कुलसभा नहीं है, जनता मुझे चुना, मेरा आवाज आए, याद है क्या क्या आवाज दिया था मैंने? भारत का संविधान बड़ा है पार्लियामेंट, यूनिटेड ऑफिसर्स काम करने के लिए आए, कोई कचल कमाटा गया, कोई तेरसा गया, कोई चौरा गया, पानी मिलता है, बारिश का पानी लेकर रखा है, जितनी वोट बिता नहीं, कौन देखा, कौन गया बताओ सदन ग्रुप में, कोई नहीं। चुप रहूँ क्या? मैं विष्णु बोकर आया, बदमाश का बदमाश है, क्या बोला तो करूँगा। मैं मोदी गवर्नमेंट को चैलेंज किया नहीं, क्या 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 बोला किया? मोदी इसलिए प्यार करते हैं, बदमाश काम करेगा, इसलिए मैं एडमिशन क्लब में नहीं है, एडमिशन काम करूँगा, एडमिशन से एडमिशन दौरा करूंगा, पूरा एडमिशन दौरा करेगा, दौरा करेगा,
कचाल पड़ गाँव में जाएगा, कोई जाएगा नहीं। मैं फर्स्ट टाइम लेके गया था, और कोई गया नहीं। कल देखो हालत क्या है निकोबारी के अंदर, इतना फैसला पूछो मत, खाने को मिलता नहीं। सुना अभी तो खत्म। नारियल पेड़ में, नारियल पेड़ थोड़ा समुद्र में, कामोटा में नारियल पेड़ गारो पहाड़ में, पांच साल बाद फल आएगा, बगल में थोड़ा सा फल आएगा। केवड़ा खत्म हो गया, कैसे बचेगा? मैंने एपीएल बर्थ सर्टिफिकेट बनाता नहीं, आप बर्थ सर्टिफिकेट बोलते एन एम लिख के देगा, कट लिख के देगा बर्थ सर्टिफिकेट, पचाल कमोटा तिरसा चौड़ा किमोटे नहीं, कौन डॉक्टर है? कोई नहीं। खाता लिख के देता होता था, बंद कर दिया। क्यों? डॉक्टर बोल नहीं करेगा। क्यों? ये सब क्यों कर रहा है? आपको अधिकार नहीं करता, एडमिशन करता नहीं, फादर के बाद मान लो करो आप। ये सब पूरा पूरा एक लेगेसी बंद हो गया। एडमिशन उसको नजर नहीं दिया, इसका तो इन्फ्लुएंस क्या है? मैं एमपी है, जिन्हें चुना मुझे नहीं काम करना, क्या एडमिशन नहीं बोलना क्या? मैं बिस्तर बदल आया है, मेरा मुँह बंद नहीं होता, बंद क्यों करेंगे हम? सर तो जैसे देखेंगे इस अंडमान में एडमिशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट करप्शन का एक बहुत सारा प्रॉब्लम है सर, इसको आप कैसे रोक पाएंगे सर? देखो करप्शन पर, करप्शन में एंटी करप्शन डिपार्टमेंट तो है, बाकी लोग दे उठाऊंगा मैं, क्या बोला? क्योंकि देखो सर एक ही मामला है, बेसिक नीड नहीं दिया अभी तक, म्यूनसिपल एरिया में डेयरी फार्म में पानी से रटन पानी आता है, पीने का नहीं आता, इसमें सब चले गया। म्यूनसिपल फंड नहीं देगा, म्यूनसिपल काउंसिल फंडिंग नहीं देगा, पावर नहीं देगा। फिर सर क्या है, आज म्यूनसिपल काउंसिल इतना बुरा दिन है, पावर सब पावर छीन लिया लोगों ने, सब पूरा पावर आएगा। पी आर एक बार सब ले लिया, सबसे वापस करूंगा। पी आर एक पावर पार्लियामेंट दिया, कोई बॉस लोग नहीं देनी। म्यूनसिपल पावर फंड दिया उत्तर में सैनिक होम में पास होता, ये कौन है देने वाला? क्या बोला? सब पूरा म्यूनसिपल का फंड नहीं है, पावर क्यों नहीं है? पावर मिलेगा, अधिकार संविधान दिया, संविधान से बड़ा कोई नहीं है। सर जैसे देखेंगे अंडमान में आज के दिन में जो है वैकेंसी तो फिलअप हो रहा है सर, लगातार थोड़ा बहुत सालों के बाद अभी थोड़ा हो रहा है सर, अभी भी देखेंगे तो अंडमान में मैक्सिमम जो यूथ है अनएम्प्लॉयमेंट है, इसको कैसे आप ठीक कर पाएंगे सर? एक तो मुझे कुछ जानकारी मिला, कुछ लोग बाहर से भर्ती हुए टीचर में जाएंगे एमपीएस, मैं उसके बाद पूरा फिगर लूँगा एडमिशन से कितने लोग बाहर से आए। बाहर आने से मैं पार्टी की तरफ से लिखित में कार्रवाई करके रिजल्ट पास करके अमित शाह मोदी को दूंगा, लद्दाख का तरह अंडमान कर दो यूनाइटेड, उनका मिल जाएगा। देखो लोकल एम्प्लॉयमेंट, लोकल एम्प्लॉयमेंट में 5000 पोस्ट और आता है, जितना पोस्ट आ सकता है कुछ कोशिश करके डिफेंस में क्या कर सकता है, रोजगार कैसे मिले, जोगान कैसे मिले, काम मिले। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्कीम भी है, फॉलो करूँगा कैसे हो क्या मिले। इस हमला को लेकर पूरा निकोबार ग्रुप आइलैंड्स मोदी से मिलने जाएंगे, अमित शाह से मिलने जाएंगे। समन ग्रुप का पहला है प्राइवेट सेक्टर में, एक हम लोग पास है टूरिज्म सेक्टर और फिशरी सेक्टर सर, इसमें आप कैसा काम करेंगे सर? देखो टूरिज्म सेक्टर में काम पाएगा सेक्टर फिशरीज अमित शाह जी का है कि नहीं, जब टीम लेके जाएंगे बताएंगे क्या काम होगा, टूरिज्म में क्या है काम कर सकते हैं, टूरिज्म एक्सपर्ट साथ लेकर जाएगा, नहीं जाएगा टूरिज्म एक्सपर्ट जाएगा, फिश एक्सपर्ट जाएगा, बस करेंगे काम निकलेगा, काम निकले निकलेगा। सर जैसे अंडमान में एक एम्प्लॉयमेंट का उद्देश्य हो गया सर, दूसरा एक मुद्दा है कि इलेक्ट्रिसिटी का सर, क्योंकि आज के दिन में एग्जाम चल रहा है तभी आज के दिन में इलेक्ट्रिसिटी का जो कटौता बहुत ज़्यादा है सर, इसके बारे में आप क्या सर? LNG 50 मेगावाट मैं ला के दिया था, नहीं हो सका। इस बार पूरा पावर को लेकर थोड़ा बहुत जानकारी तो मेरा है, पूरा फुल प्रूफ पावर सबको मिले, 24 आवर्स पानी मिले, पावर मिले, सोच सकता कचाल कमोटा तेरेसा 4 घंटा लाइक लाइक 3 आवर्स 4 आवर्स 6 आवर्स क्यों? इसका पूरा पिक्चर हम मिला के दर्शन करेंगे। अरे मुझे भरोसा है मोदी गवर्नमेंट से अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए पहला बार नड्डा जी मांगा डिमांड्स, पहले कोई नहीं मांगा। आप ईमेल करो नड्डा जी को, बोले ईमेल आईडी क्या है? jpnadda@gmail.com। पूरा अंडमान निकोबार वासियों अनुरोध करूंगा, जेपी नड्डा जी को प्रधानमंत्री बोला आप डिमांड लो, ईमेल आईडी jpnadda@gmail.com भेजो। सर दूसरा एक मैटर है पानी का जो इशू है सर, आप लास्ट ईयर भी देखे होंगे, आप अंडमान गए देखेंगे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है सर,
तो ये साल भी वही तरह का सिचुएशन मेंटेन हो रहा है सर, तो इसके बारे में आप कैसा देख पाएंगे? क्योंकि हम लोग एक ही डैम है सर, वो डैम में भी सपोज कोई तरह का अनफॉर्चुनेटली कुछ इंसिडेंट हो जाता है, डैम कुछ हो जाता है, तो हम लोग पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा सर पूरे साल के लिए। ये मैटर प्लेस करेंगे ऊपर बाल में अमित शाह जी के पास, फिर टीम बेच के काम करेंगे सर। जैसा PWDP अपना तरफ से, एडमिशन भी अपना तरफ से, जैसे नेशनल जो ऑल इंडिया जो स्कीम है उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं सर, पानी का जो भी कटौती को खत्म करने के लिए, अभी बहुत सारी जगह में डैम चंडेपर बना रहे हैं सर, तो ये क्यों अभी बना तो दिए थे बट दुबका में प्रोग्रेस हो गया है सर आज के दिन में? डिगलीपुर टेप में मैं लेफ्टिनेंट कमलेश सिंह साहब फ्लड फाउंडेशन नहीं हुआ डैम का, यह भी डैम का स्कोप है, डैम छोड़ के स्टॉकिंग है, ब्लॉकिंग है, कर सकता हम लोग जब पानी ब्लॉक कर सकता है दोस्तों सकता है, पूरा पूरा टीम दिल्ली से आएगा, क्योंकि मोदी जी अमित शाह का तरफ से अंडमान निकल उनका जिम्मेदारी है, उनका सिर पर है, मैं उसके साथ हूँ। सर जैसा लास्ट हम लोग देखेंगे कि अंडमान का जो फंडिंग जो है वो इस बार का कम हो गया है सर, इसके बारे में आप क्या? एडमिनिस्ट्रेशन गलती है, एडमिनिस्ट्रेशन गलती है, पूरा फंडिंग जो मिलता है मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा, हम होम कमिटी में जाएगा, होम कमिटी पास करता है, स्टैंडिंग कमिटी आईडी पास करता है अंडमान प्लान, उसके बाद अंडमान निकोबार दोबारा ईयरली प्लान बनेगा, डिस्ट्रिक्ट कमेटी मेंबर मैं हूँ, लीडी साहब चेयरमैन है, दो कमेटी से पास करा के जाएंगे दिल्ली में, स्टैंडिंग कमेटी होम में पास करके फंड मांगूंगा, डिमांड दिखा के फोटो दिखा, एक निकोबार ग्रुप में 2-3 हज़ार करोड़ मांगते मिनिमम मांगता, निकोबार ग्रुप फर्स्ट तो हुआ ही नहीं, निकोबार ग्रुप में फर्स्ट मनी मन नहीं है, निकोबार ग्रुप फंड मांगता 2-3 हज़ार करोड़ मांगता मिनिमम। सर प्रदेश कौन सी का मिनिस्ट्री का क्या सोचते हैं इस बार में? पार्टी देखे जैसल कोट देखे सर, जैसे आप बोल रहे थे निकोबार डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि आपका दौरा 20 में निकोबार डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, निकोबार में ऐसा निकोबार नॉट इन निकोबार सर, आप नॉर्थ मिडल में भी चले जाएंगे तो बहुत सारे जगह में ऐसे आज के दिन में भी घर में पानी का सप्लाई नहीं है सर, टैप वाटर सप्लाई नहीं है सर, उसके बारे में बहुत सारा प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है सर, और आप जैसा बात कर रहे थे निकोबार ग्रुप में बहुत सारा इशू है सर, आपको क्या क्या आपको देखिए सुनिए क्या हुआ, जो गैप हो गया ना एक मूवमेंट शुरू हुआ था, क्या बोला नीचे आ गया उनका, कारण क्या था, PRA को काम करने नहीं दिया, समिति को फंड नहीं, प्रधान को फंड नहीं, जिला को फंड नहीं, ऑफिसर अपराध कर दिया, म्यूनसिपल में फंड नहीं है, सब बॉस बन गया, संविधान जो पावर दिया म्यूनसिपल काउंसिल को वो करने नहीं दिया, PRA को जब पावर दिया संविधान फॉलो ड्रॉप कर दिया, राज बन गया, राज को तोड़ना है, ठीक हो जाएगा, तोड़ने के लिए मोदी जी अमित शाह जी है ना। तो आपके हिसाब से जो फंडिंग जो अंडमान में जो कम हुआ है वो मेनली एडमिशन की तरफ से ही हुआ है सर? देखिए एडमिशन बोलने का कोई नहीं था, कुलदीप तो बोलना था मेंबर ऑफ MP, स्टैंडिंग कमेटी मेंबर हो, मुझे प्लान पास करना हो तो कुछ किए नहीं, प्लान पास बात होता यह हमें फर्स्ट दो कमेटी, एक डिस्ट्रिक्ट कमेटी, स्टेट कमेटी, स्टेट बंद कर दिया, एवरी ईयर प्लान था 3 ईयर्स कर दिया, कुलदीप चुप नंबर वन, सेकेंड जब ऐसे स्कीम जाएगा ड्राफ्ट जाएगा अपनी तरफ से उसे बायस होगा, वो बायस में MP का रोल आए तो उसका नाम स्टैंडमेंट हो, तो गए नहीं बोला नहीं कुछ, वो बोला नहीं मैं क्या करूँ, मैं तो बोलता था मैं काम करता था, वो काम करेंगे, और मेरा बात सुनने के लिए गृहमंत्री कौन है? अमित शाह जी है कि नहीं, क्योंकि दिल्ली में मेरा नाम किसका है समझ गया, अंडमान निकोबार नड्डा जी को बोलता है विजय डिमांड्स, दिमाग किसका है? मोदी जी अमित शाह जी। सर जैसा आप बोल रहे थे कि सर अंडमान आके कहीं ना कहीं से होम मिनिस्ट्री से जुड़ा हुआ है, कैडेट होम मिनिस्ट्री कंट्रोल में है सर, तो आप क्योंकि आप देखेंगे लास्ट जो MP हम लोग है कुलदीप राय शर्मा सर जी होते वो उन्होंने हर इशू को ऊपर में उन्होंने लेटर किया सर, बट कोई तरह का कहीं ना कहीं से गैप हो रहा है क्योंकि वो रिजॉल्व नहीं हो रहा है सर, तो आप कैसा कन्विंस कर पाएंगे होम मिनिस्ट्री में सर? मैं एक बात करूँ, एक पार्लियामेंट क्वेश्चन स्टार्ट क्वेश्चन जो रिप्लाई आता है वो बाउंडिंग है, स्टार्ट क्वेश्चन किया क्या नहीं, पीने का पानी मिलता है लाइट मिलता नहीं, कोई क्वेश्चन किया नहीं किया, अनस्टार्ट क्वेश्चन वो भी स्टार्ट क्वेश्चन अनस्टार्ट क्वेश्चन एक MP को एक टर्म में 300 कर सकता है, बताओ क्या क्वेश्चन किया, ये पीने का लाइट का पानी का रोड का क्या किया,
जीरो, बिग जीरो, बिग बिग जीरो, जहां से बजट पास होता है, स्टैंडिंग होम, स्टैंडिंग कमिटी होम, वो पार्टिसिपेट किया गया, न्यूज दिखाओ, नहीं है। एमपीलैड पैसा कहाँ गया, उनको खर्चा कर दिया, मेरा बोर्ड में ओपनिंग कर दिया। एमपीलैड का पैसा कहाँ किया, निकोबार को भी एक पैसा नहीं दिया, कचाल कमोटा तेरेसा चौरा निकोबार, नो मानी अब एमपीलैड, क्यों? कुलदीप भाई जिंदाबाद, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आपको शायद टिकट मिल सकता है, सुनने में से आया, पैसा क्यों खर्चा नहीं किया? अब अंडमान निकोबार को दिवस में काम क्यों नहीं किया? आपको लोग क्या सोच के बनाया था? निकोबार का मैं भी गया था, स्वागत किया था, साथ में रहा मैं ओपनिंग समय पर। कुलदीप शर्मा जी जो किया अंडमान नौकरी की समस्या, आप क्या बात किया बताओ, कौन जगह में आपने क्या किया? पेरेंट मेंबर्स बिल, एक 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 घोसला है, पेरेंट मेंबर्स 1000 पास हुआ, कोई इम्प्लीमेंट नहीं होता है, इम्प्लीमेंट नहीं होता है, ये पेरेंट मेंबर्स की कीमत ही नहीं है। उन्होंने क्वेश्चन करना था, उत्तर ना करना था, गवर्नमेंट के खिलाफ में मोशन मूव करना था, मैं मूव किया था, भाई पद भेज दिया, मोशन मूव किया, अटेंशन क्वालिफिकेशन क्वालिफिकेशन मोशन मूव किया मैंने, तो भाई प्रदीप बचा, वो क्यों नहीं करा बताओ? अपोजिशन पार्टी एमपी चुप, और मैं भी समझ रहे अपोजिशन पार्टी एमपी कैसे मनमोहन सिंह बोलता था, हटता क्यों नहीं, चिल्लाता था, बोलता था, लिखता था, बात करता था, अपोजिशन पार्टी के रोल में कुलदीप शर्मा जी फेल है, पास आप करो, सबसे बड़ा उनका वोट बैंक कहाँ है? मुस्लिम वोट बैंक कहाँ चले गया? विश्वास में किसान वोट बैंक अमर चले गया, निकोबार चले गया, लोग जानता हमको विश्वास रहे काम का है, बार बार फोन उठाएगा, बात करेगा, वो साफ तो फूट होता नहीं है, उसके बारे में क्या बोलूँ? इस बार ये कांग्रेस पार्टी का कोई दिक्कत तो नहीं है अंडमान निकोबार, आपका एनालिसिस क्या बोलता है? आप पूछो ना सर, वो तो आप पूछो, आप बताओ, राइटर साहब कांग्रेस जीतेगा आंदोलन, आप क्या लगता है? देखा खाने का चावल नहीं है, बट उनका बना दिया, तो कुलदीप क्यों चुप रहा? मैं पूछता हूँ, आप चुप क्यों रहा? एक शब्द बोल रहे पार्लियामेंट में, निकोबारी लोग को कैप, निकोबारी लोग को एपीएल बना दिया, खाने का नहीं है, बूढ़ा व्यक्ति को ओल्ड एज पेंशन नहीं है, पेंशन नहीं दिया, ओल्ड एपीएल हो गया, पेंशन मंग लेशन मंग, आप चुप है बताओ? हमको दर्द हुआ देख के, बोलता है निकोबारी कैप्टन लोग, बाकी लोग विष्णु जी पहले काम किया था, गलती क्या नहीं थी उसको, विशेष कुलदीप आए नहीं एक बार चल के, कुलदीप जी को नमस्कार, बहुत धन्यवाद सर। लास्ट एक क्वेश्चन है सर, आपका पहला आपका काम क्या रहेगा सर आप एमपी बनने के बाद? इसमें पहले बात पूरा ग्रुप जाएगा, सदर्न ग्रुप, नॉर्थ ग्रुप, मिडिल ग्रुप, सब जाएगा मिलने के लिए, डिमांड लेके अमित शाह मोदी से, फिर वहाँ से शुरू होगा काम। नड्डा जी बोला, नड्डा जी का सुनना पड़ता हमको, नड्डा जी डिमांड मांगा, नड्डा जी डिमांड कहा दूंगा, नड्डा जी को दूंगा, अमित शाह को दूंगा, मोदी को दूंगा, बाद में मोदी जी रिएक्शन देगा, क्या मिस्टेक? धन्यवाद, ये मेरा लास्ट बारी है, लास्ट बैंड सिक्सर मारेगा। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।